हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने है वाले हैं बेसन लड्डू, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले टगार बनाते हैं। 1 कप शुगर के लिए 1/2 कप वाटर ऐड करना है। एंड अभी फुल फ्लेम में रख के इसे बॉईल होने का वेट करते हैं। अभी अच्छे से बबल्स आ गया है, इसे फुल फ्लेम में ही रख के और इसको बॉईल होने देते हैं। अभी ये जो सिरप है हाफ हो गया है एंड दिस इज द परफेक्ट स्टेज। अभी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। एंड अभी याद रखना कि ऐसे टाइम पे अगर ये जो बबल्स है अगर क्लियर नहीं दिखता है तो थोड़ा सा दूध डाल के उससे अच्छे से और मतलब सिरप को और बॉईल करना है। अभी इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करके देते हैं एंड अच्छे से मिक्स करते हैं। ये घी इसलिए ऐड करते हैं कि ताकि ये क्लॉट ना हुए। अभी इसे रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने देते हैं एंड स्टिर करके देते हैं। कंटिन्यूअसली स्टिर करना है, याद रखना। ये जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा ये सेपरेट होते आएगा शुगर। तो टगार हो गया है रेडी। और अगर आप लोगों को लगा कि लम्स है तो ग्राइंडर में डाल के एक बार हल्का सा ग्राइंड करके दे तो भी चल जाएगा, या फिर सीव करके भी देंगे तो वो लम्स मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए अभी लड्डू बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पैन लेते हैं वो पैन को देखना है कि कुछ पानी है कि नहीं, तो अच्छे से गर्म होने देते हैं। एंड अभी याद रखना कि जो क्वांटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है, टगार, बेसन एंड घी, और तीनों का सेम क्वांटिटी यूज़ करना है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैं घी ऐड कर रही हूँ 1 कप के हिसाब से। थोड़ा सा घी बाजू में रखते हैं, जब बेसन रोस्ट करते टाइम कम ज़्यादा लगा तो ऐड करके देंगे। घी गरम हो चुका है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अभी इसमें बेसन ऐड करके देते हैं, बेसन भी 1 कप मैंने लिए हैं। याद रखना कि लो फ्लेम में रख के इसे स्टिर करके देंगे पहले। अभी अच्छे से रोस्ट करते हैं, हल्का ब्राउन कलर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर बेसन कच्चा रहा तो टेस्ट नहीं आएगा लड्डू का, तो थोड़ा सा इसे रोस्ट होने देते हैं ये घी में ही। अभी ये रोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है। एंड अभी ये टाइम पे हल्का सा थोड़ा सा पानी इस पर स्प्रिंकल करके देंगे। बेसन रोस्ट होता है घी में एक एरोमा आता है। एंड वही टाइम पे याद रखना कि ध्यान देना कि ये बेसन रोस्ट हो चुका है एंड अभी पानी ऐड करना है करके। अभी 4 to 5 मिनट्स हो गया है वाटर ऐड करने के बाद में। अभी फ्लेम ऑफ कर देते हैं एंड इसे रूम टेम्परेचर में ही कूल होने देते हैं। स्टोव से निकाल के दूसरे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करना बेटर रहेगा, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो चलिए अभी लड्डू के जैसे गोल गोल इसे बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे बेसन के साथ, बेसन हल्का गरम है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, इसमें मैंने टगार ऐड किए हैं एंड 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर एंड
यहाँ पे मैं और ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में कैशूज और आलमंड को मैंने क्रश किए हैं, ये अपने हिसाब से ऐड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसे मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके गोल गोल लड्डू जैसे बनाते हैं। प्लेट में नहीं हो रहा था, थोड़ा प्लेट छोटा पड़ रहा था तो मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिए सारे। अभी अच्छे से मिक्स करते हैं एंड मिक्स करके देखिए लड्डू जैसा बन भी रहा है। तो अभी अच्छे से मिक्स करके बस लड्डू जैसे गोल बनाना है इसे। हल्का गर्म रहेगा तभी ये लड्डू बना सकते हैं, अदरवाइज ये लड्डू जैसे गोल बनेगा नहीं। ठंडा होने से पहले लड्डू बनाना है तो मैं मम्मी का भी हेल्प ले रही हूँ। ऐसे ही बाकी सारे गोल गोल लड्डू जैसे बना देते हैं। टफ जॉब यार, लुक एट माई पाम गाइस, पूरा रेड हो गया है। बेसन लड्डू बन चुका है और आप लोग को ये रेसिपी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।